हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। Okay, so today's topic is binary number system, and in that I am going to explain binary to octal, octal to binary, same way binary to hexadecimal and hexadecimal to binary. So बहुत ही important और काफी अच्छा और interesting topic है. I already explained that binary to decimal and decimal to binary conversion, binary to decimal or decimal to binary मेरा last tutorial में ही आपको मैंने सिखाया. अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लो. इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम जो कंप्यूटर के साथ डीलिंग करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो उसके साथ कैसे वर्क किया जाए उसके रिलेटेड ये मेरे ट्यूटोरियल्स है. ओके, तो इसमें मैं आपको ऑक्टल नंबर किसको कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर किसको कहते हैं, और कैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कन्वर्जन करेंगे, और उसकी एक्सरसाइज भी होगी आपके लिए. ठीक है, आपको सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है, उसके साथ साथ व्हाट एवर द एक्सरसाइज आई गिवन उसका आप होमवर्क मान के चलो या एक्सरसाइज मान के चलो, उसको आपको सबमिट करना है कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर. ओके, सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट. थोड़ा मैथमेटिकल साइड में जा रहा हूँ, ठीक है, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये. तो सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल, बट इन दैट व्हाट इज ऑक्टल एक्चुअली, हमारे यहाँ पे ये आपको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि इफ यू आर इन द क्लास 10th और 11th और 12th, इफ यू आर इन द कॉलेज ऑफ BCA, MCA या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कभी भी कहीं पर भी जाओगे ये कंप्यूटर फंडामेंटल में, ये बेसिक में आता है. बाइनरी कन्वर्जन तो पता होना ही चाहिए, बीइंग ए कंप्यूटर स्टूडेंट होके आपको ये पता ही होना चाहिए, और आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, लोगों को काफी इंटरेस्ट है ये सब सीखने में. ओके, क्योंकि ये एक्चुअली आप डीलिंग कर रहे हो कंप्यूटर के साथ. ओके, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ ये कैसे काम करता है. ओके, तो वेरी फर्स्ट वन इज द ऑक्टल नंबर. ऑक्टल नंबर क्या है एक्चुअली, बी विद मी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से काम करना है, आप एक्सरसाइज खुद कर सकोगे, बहुत ही आसान है, और मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही बताऊंगा. There is no meaning to learn long cut. Okay, shortcut से ही फटाफट हो जाएगा और बहुत ही easy रहेगा आपके लिए. Okay, binary to decimal अगर आपको आता है, decimal to binary आता है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है. नहीं चेक किया तो मेरा ट्यूटोरियल देख लीजिएगा binary number system में. Okay, so first of all, तो what is the octal number? जैसे कि मैंने decimal system में आपको कहा था, decimal number system में the range is 0 to 9, total 10 digits आए, इसलिए उसको decimal कहते हैं. तो ऑक्टल में द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर इज 0 to 7, टोटल नंबर इज 8, यानी कि ऑक्टल नंबर की रेंज है 0 to 7, 8 ही डिजिट्स होते हैं. ओके, इसलिए उसको नाम दिया गया ऑक्टल, ऑक्टा साइंटिफिक नेम है 8 का, और इसीलिए ऑक्टोपस को ऑक्टोपस कहते हैं बिकॉज 8 लेग्स. ओके, इज अ कॉमन कंसेप्ट, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा मैथ सब मिक्स कर रहा हूं मैं, क्योंकि मजा तो भी आएगा सीखने में. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है. सपोज यू हैव अ बाइनरी नंबर, देन हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल नंबर. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 10, यहाँ से अगर मैं राइट से टू लेफ्ट पढ़ू तो 101101, तो वेरी सिंपल प्रोसेस है. यहाँ पे रेंज क्या है आपकी 0 to 7. ओके, और अगर आपको अगर याद हो तो 7 का 7 डेसिमल अगर हम है तो 7 डेसिमल का बाइनरी क्या है, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था बाइनरी टू या डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल का. ठीक है, 7 है तो मैंने आपको कहा था कि 1 2 4, 2 raised to power बढ़ाते जाओ, 8 16, ऐसे मैंने आपको करने के लिए बोला था. अगर 7 करना हो तो कहाँ कहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, 4 पे 1 रखो, 2 पे 1 रखो और 1 पे 1 रखो, तो 4 plus 2 6 6 plus 1 7, तो मैक्सिमम आपका ग्रुप कितना बन रहा है, यानी कि 1 टू 4 तक का ही हमको काम है, उसके बाद कुछ काम ही नहीं है हमारे पास. तो यहाँ पे
जो भी बाइनरी नंबर होगा उसको तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड करना है आपको, सिंपल, बहुत ही सिंपल, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, तीन तीन के ग्रुप में। मान लो कि ये पहला तीन ग्रुप हो गया, पहला एक ग्रुप हो गया तीन का, और ये हो गया दूसरा ग्रुप। अच्छा, अभी इसके ऊपर अप्लाई करो कौन सा, वही रूल जो अभी मैंने आपको बोला 1 to 4 8 वाला, 1 यानी कि 2 raise to 0, ओके, 2 raise to 1 एंड 2 raise to 2, 1 to 4, ये 1 to 4 यहाँ पे आ गया, और ये दूसरे ग्रुप का 1 to 4, 1 2 एंड 4। तो जहां पे 0 है वो तो निकल जाएगा डायरेक्ट, तो जहां पे 1 1 है उसका टोटल करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 4 है वहां पर 1 है, तो 4 plus 1 हो गया यहाँ पे 5, और सेम वे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 4 plus 1 यहाँ पे भी हो गया 5। दैट मीन्स ये किसका, इसका ऑक्टल नंबर क्या हुआ, 55। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये 1 to 4, 1 to 4, ये 1 2 4 8 16 और कुछ नहीं है, 2 raise to power है, क्योंकि आपको पता है मैं डेसिमल नंबर सिस्टम आपको वापस में बोल रहा हूँ, नहीं चेक की तो कर लो। उसमें आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि 2 raise to 0 से स्टार्ट करना है, 2 raise to 0 पावर बढ़ाते जाना है आपको, राइट टू लेफ्ट मूव होते हैं, पावर बढ़ाते जाना है। तो 2 raise to 0, 2 raise to 1, 2 raise to 2, 2 raise to 3, 2 raise to 4, 2 raise to 5, लाइक दैट। तो 2 raise to 0 मतलब 1 होता है, 2 raise to 1 मतलब 2 होता है, 2 raise to 2 मीन्स 4, 2 raise to 3 मीन्स 8, 2 raise to 4 मीन्स 16, ओके, 2 raise to 5 मीन्स 32, लाइक दैट यू कंटिन्यू। मगर उतना आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है ऑक्टल नंबर की, 7 इज द हाईएस्ट डिजिट ऑफ द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर, ओके। तो यहाँ पे हो गया आप, चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं, इसमें तो आंसर दे दिया है तो आपको लगेगा कि सर ये तो सर देख के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। एक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसका बाइनरी दिया है, ऑक्टल नंबर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट। नाउ लेट वी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, राइट साइड से तीन तीन डिजिट का ग्रुप बनाते जाओ। ये एक हो गया ग्रुप, एक ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप में 2 ही डिजिट मिल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। जरूरी नहीं है कि 3 डिजिट लास्ट में हो, अगर नहीं है तो तीसरा 0 डाल दो, उसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं। अभी तीनों के ऊपर क्या अप्लाई करना है, 1 2 4, वापस 1, ये इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 4, और यहाँ पे 1 एंड 2, उसके आगे कोई डिजिट है नहीं। तो जहां जहां पे 1 है, पहले ग्रुप की बात करते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ 1 कहां पे, 1 टू 4 में सिर्फ 2 पे है, तो 2 आएगा, क्योंकि टोटल करने के लिए कुछ नहीं है, तो पहले ग्रुप में से 2 आ गया। दूसरे ग्रुप में अगर बोला है तो 1 2 4, तीनों जगह पे 1 है, यानी कि 4 plus 2 plus 1, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, यानी कि ये हो गया 7, और यहाँ पे 1 कहां पे, सिर्फ 2 पे है, तो यानी कि 2। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 272 ऑक्टल नंबर, 272 है ना, बहुत इजी, एकदम आसान। बस राइट साइड से तीन तीन डिजिट का एक एक ग्रुप बनाते जाओ, हर डिजिट के हर ग्रुप में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 अप्लाई करो, जहां पे 1 है, जो जो जगह पे 1 है उस डिजिट का टोटल करना है, ग्रुप वाइज, हाँ ग्रुप वाइज। ये देखो ये 2 है तो सिर्फ ये एक ग्रुप का ही 3 डिजिट का है, ये दो जगह पे तो 0 है तो उसको कंसिडर नहीं करना है, 1 कहाँ पे है तो 2 है, 2 ले लो। यहाँ पे तीनों जगह पे 1 है तो 4 2 और 1, तीनों जगह पे 1 है तो 4 plus 2 plus 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही है, तो 272 हुआ, आई थिंक वेरी इजी, ओके। नाउ दिस इज योर होमवर्क, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ स्टेप्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप, ओके। इस तरह का आप तीन तीन का ग्रुप बनाओ, 1 to 4 लिखो, और उसका क्या आया पूरा मुझे स्टेप चाहिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया, ओके। एंड यूज योर ओन क्रिएटिविटी, योर ओन आइडियाज, आपको आपका जो क्वेश्चन है 1011010110 बाइनरी, उसका आपको ऑक्टल ढूंढ के मुझे आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। मगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं की मेरी चैनल को, प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल है, मेरी चैनल का नाम है प्रतीक सर ऑनलाइन, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपके मेरे वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज मेरी चैनल पे है, और अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपके पास मिले और आप अपना नॉलेज अपडेट करें, तो ये काम करना बहुत जरूरी है, प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके रखना है। ये होमवर्क आपको कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली फॉर योर क्लास, और साथ साथ सेल्फ टेस्ट भी होगी जो आपको देनी होगी। ऐसा करते हैं कि सेल्फ टेस्ट में नहीं रखते हैं, इसमें सिर्फ हम होमवर्क रखते हैं, तो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल में
मुझे सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप में. ओके नाउ वी गोइंग अहेड, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया. नाउ ऑक्टल टू बाइनरी हम देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है. ऑक्टल टू बाइनरी में आपको पता है कि रेंज क्या है, 0 to 7, वेरी सिंपल है. और यानी कि आप मैक्सिमम 111 आएगा यहाँ पे, 000 से शुरू होगा. ओके ये सब आपको जो मिल रहा है दिख रहा है वो क्या है एक्चुअली, इट्स बाइनरी ऑफ ऑल द डेसिमल डिजिट्स. ये 1 का बाइनरी नेचुरली 1 to 4, 1 ही आया, 2 010, 3 110, 4 का क्या है 001, 101, 011 और 7 का 111 अभी हमने देखा. तो ये बाइनरी अगर आपको थोड़ा याद रह जाएगा, रट्टा मार पारना, डोंट ट्राई टू मग अप दिस वन, वेरी सिंपल. अगर मान लो कि 2 है तो 2 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो नेचुरली आपको मिलेगा, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, डिवाइड बाय 2 करने पर. और नीचे से बॉटम टू टॉप करो, चेक कर लो मेरा वीडियो अगर भूल जाते हो तो, ठीक है. बाइनरी एक नंबर सिस्टम में मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का. तो अभी इसके बेस पे हमको ऑक्टल टू बाइनरी में जाना है. सिंपल शॉर्टकट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो मैक्सिमम हमको जरूरत पड़ेगी 111, ठीक है. ओके लेट मी सी द ऑक्टल टू बाइनरी. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 540 ऑक्टल नंबर दिया, उसका बाइनरी ये क्यों आया. तो सबसे पहले तो जीरो का बाइनरी क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 का ग्रुप बनता है, तो आपको 3-3 के ही ग्रुप में आपको डिजिट लिखने हैं. तो जीरो का बाइनरी 000, एक्चुअली 0 ही आता है मगर 000. 4 मतलब आपको पता है 1 2 4, तो लेफ्ट मोस्ट साइड में आपको ग्रुप में क्या डालना है, 1 डालना है, ठीक है. तो हो गया 100 4 का. और 5 का क्या आएगा, 4+1 यानी कि 101, तो हो गया 101. तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर मैं आपको दे सकता हूँ उसका. सपोज मान लो कि यहाँ पे ऑक्टल में दिया गया हर एक नंबर जो है वो 7 से बड़ा एक भी नंबर नहीं हो सकता. ये इतना बड़ा नंबर है 540, बट अगर एक भी डिजिट 7 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है. सपोज एक और मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, होमवर्क है ये भी, जो आपको मुझे टेलीग्राम में करके दिखाना है, ठीक है. मगर एक और टेक्निक सिखा देता हूँ तो आपको ये आसान लग जाएगा. सपोज आपके पास जो है वो है 3 4, या तो 3 6 3 6 2 ले लेते, चलो 360 362 आपके पास जो है वो है ऑक्टल है, उसको आपको बाइनरी करना है. तो सबसे पहले राइट साइड से 2 से शुरू करो. तो 2 का बाइनरी आपको पता है 1 2 4, तो 2 कहाँ पे आता है, बीच में, तो उसका बाइनरी नंबर होगा 010, हो गया, ठीक है. 1 2 4 1 2 4 1 2 4 अप्लाई करना है आपको, सिंपल. 6 6 कैसे बनता है, 4+2 यानी कि 1 2 4 में 4 और 2 में 1 1 आएगा, तो 0 1 1, तो ये हो गया 6 का, ठीक है. और 3 कहाँ पे आएगा, 2+1 यानी कि 1 2, वो दो जगह पे 1 1 और बाकी की जगह पे 0, तो ये हो गया इसका बाइनरी, डायरेक्ट आंसर, सिंपल स्टेप. ओके वेरी इजी, आपको हर एक चीज का बाइनरी ढूंढना है. 2 का बाइनरी लिखो 3-3 डिजिट में, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ही अप्लाई करना है. अगर 6 है तो 1 2 4 में कौन से दो को मिला के 6 होता है, तो क्या 4+2, तो वहां पे 1 1 रखना है वो दोनों जगह पे और बाकी 0, सिंपल. 3 है तो 1 2 4 में तो किसने दो मिला के 3 होता है, तो क्या 2+1, तो 1 और 2 की जगह पे 1 1 रखो और 4 की जगह पे 0, तो हो गया 3, वेरी इजी. ओके एंड नाउ योर होमवर्क इज 205 ऑक्टल नंबर, आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना है. इसी तरह से प्रॉपर स्टेप के साथ ग्रुप में मुझे थोड़ा दिखाना कि ये किस तरह से वर्क करता है. नाउ गोइंग अहेड एंड वी लर्न हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके नाउ ऑक्टल यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्टल, 0 to 7, क्योंकि 8 ही है उसकी रेंज. अभी यहाँ पे हेक्साडेसिमल आ गया, हेक्साडेसिमल मतलब आ गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्सा, हेक्सा मीन 6. थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा मैथ, यही तो कंप्यूटर है और वही तो बाइनरी है, ठीक है. और इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सब कुछ इंटरेस्टिंग रहता है, हर एक टॉपिक यहाँ पे आता है, ठीक है. तो हेक्सा मतलब 6, हेक्सागोन होता है ना, तो यहाँ पे हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मीन्स ऑब्वियसली 10, आपको पता है. तो यहाँ पे 6 एंड 10 यानी कि टोटल हुए 16, यस.
द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल इज टोटल 16 डिजिट उसके अंदर होते हैं, बट व्हाट इज द रेंज? रेंज में यहां पे आता है 0 टू 9, यानी कि 10 होगा, यहां पे 0 से शुरू होगा, 0 टू 9 मतलब टोटल कितने हुए, ये 10 डिजिट्स यहां पे आ गए, वो तो हमारे डेसिमल की रेंज होगी। अभी हेक्सा की जो रेंज है 10 के बाद, अगर मैं 11 या तो 9 के बाद अगर मैं 10 लिखूं, तो 10 इज मेड अप बाय यूजिंग 1 एंड 0, तो वो तो डेसिमल नंबर सिस्टम में से ही डिजिट का यूज कर रहा है, तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए ए बी सी डी ई एफ का यूज होता है। ओके, ए बी सी डी ई एफ का यूज होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल की रेंज 0 टू 15 है। एक्चुअली टोटल 16 हुए, 0 से 15 मतलब 0 से शुरू करना है, तो टोटल 15 डिजिट होते हैं। अगर यहाँ पे डिजिट की बात करें तो 0 टू 9 तक ही है, क्योंकि अगर 10 बनाऊंगा या तो 11 बनाऊंगा तो डेसिमल नंबर का ही डिजिट यूज होगा। तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 की जगह पे कैपिटल ए बी सी डी ई एफ, यानी कि कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, कैपिटल बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, कैपिटल सी 12 को, कैपिटल डी 13, ई 14 एंड एफ 15। तो यहाँ पे आपको वो सबका बाइनरी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 7 का तो पता था, 9 का बाइनरी अगर देखा जाए तो 1, 2, अच्छा यहाँ पे ग्रुप बनेगा 4-4 का, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास अगर मुझे 15 करना है तो 1, 2, 4, 8 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 4, 8 में किस किस को मिला के अगर टोटल करें तो 15 होगा। ओके, तो चारों में डालना पड़ेगा 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8, यानी कि 8 + 4, 12, 12 + 2, 14, 14 + 1, ठीक है 15 हो गए। तो यहाँ पे जब ऑक्टल में 3-3 का ग्रुप बनता था, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 4-4 का ग्रुप बनेगा। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा डेसिमल टू बाइनरी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और वो आपको मैंने दे दिया है। अगर नहीं याद है तो आप वो चेक कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट टाइम नहीं है, और ये काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक माना जाता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आता है, ठीक है। नाउ लेट वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट द सम ऑफ दिस। फर्स्ट वी लर्न हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो सपोज हियर वन एग्जांपल इज गिवन, 2C1 16। अभी आपको सी आ गया तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कैपिटल सी मतलब ए बी सी, यानी कि 10, 11, 12, दैट मीन दिस सी इज फॉर 12। तो यहाँ पे आपको बाइनरी किसका रखना पड़ेगा, 12 का रखना है। ओके, सेम वे राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 का बाइनरी 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो राइट साइड से 0, 0, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो उसमें 1 ही है तो 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0। दूसरा ग्रुप है सी, यानी कि 12, 10, 11, 12, ए बी सी, तो सी मतलब 12 को रिप्रेजेंट करेगा, 12 मतलब 8 + 4, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 4, 8 में 8 और 4 की जगह पे 1, 1, और 1 और 2 की जगह पे 0, 0, नेचुरली। तो 0, 0 ये 1, 2 खाली हो गया और 8, 4 पे 1, 1 रख दिया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज 2, ऑब्वियसली 1, 2, 4, 8, तो 0, 1, उसके बाद 2 0 डाल दोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 और 2, तो 2 की जगह पे 1 रख दिया, सिंपल हो गया। 4-4 का ग्रुप बनाओ, राइट साइड से शुरू करो, ठीक है। अब चाहे मेरी तरफ से मैं आपको कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आपको मैं होमवर्क बताऊंगा। पहले सपोज ये तो रेडीमेड था, आप बोलेंगे सर वापस ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया सर ने डायरेक्ट। ओके, सेकंड वन वी टेक एनी वन, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक 8, देन वी टेक 9, एंड देन वी टेक सपोज एफ, ओके ओके, ई वी टेक ई 89E, दैट मीन्स 89E हेक्साडेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज ई, यहाँ पे ए बी सी डी ई, 10, 11, 12, 13, 14, तो ई रिप्रेजेंट करता है 14 को, यानी कि सबसे पहले ही चार के ग्रुप में आपको 14 का टोटल करना है। 14 का टोटल कैसे होगा, 8 + 4 + 2 नेचुरली है, और 1, 2, 4, 8 में 1 की जगह पे 0, 2, 4, 8 की जगह पे 1, 1, 1 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, 3 डिजिट है तो 3 ग्रुप बनेंगे नेचुरली है। चलो मैं यहाँ पे 1, 2,
फोर एट, एक ग्रुप हो गया, वन टू फोर एट, दूसरा ग्रुप हो गया, वन टू फोर और एट, यानी वन टू फोर एट है क्या, टू रेज टू जीरो, टू रेज टू वन, टू रेज टू टू, टू रेज टू थ्री, क्योंकि मैक्सिमम उतनी ही जरूरत है हमको. ओके लेट मी सी, पहले मुझे चाहिए यहाँ पे 14, 14 किसके टोटल पे होगा, 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 हो गया, तो वो तीनों जगह पे 1 कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो पहला ग्रुप हो गया. फिर 9, 9 मतलब कैसे होता है, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 8 और 1 पे 1 1 1 कर दो और 4 और 2 में कर दो 0, सिंपल है. ओके यहाँ पे 8 और से यानी कि 8 ही एक अकेला है, तो डायरेक्ट 8 पे 1 और 1 टू 4 की जगह पे 0, 0, 0. तो ये हो गया पूरा उसका बाइनरी 89E का, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0, सिंपल सा स्टेप. ठीक है, ये एक ग्रुप बना, ये चार का दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप. क्लियर, वेरी इजी. तो नाउ इज योर होमवर्क, ध्यान से, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके भेजा है, 9DB2 हेक्साडेसिमल 2 बाइनरी आपको कन्वर्ट करना है, वो आपका है होमवर्क और आपको मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डालना ही डालना है. आई एम गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी वर्क. ओके सो 9DB2 यानी कि आपको यहाँ पे डी और बी का पहले तो देखने वैल्यू क्या है, मैं आपको पता है ए मीन्स 10 और एफ मतलब 15. ओके ओके मैंने थोड़ा सा माइंड चेंज कर दिया, सेल्फ टेस्ट भी है, आपको सेल्फ टेस्ट भी देनी है. ओके जिसकी लिंक कहाँ पे होगी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पार्ट में ये वीडियो के, और साथ में ये सब होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ उसको आपको मुझे देना है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर. तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो सिंपली वेरी इजी है, एकदम इजी होगा. नाउ लेट मी सी, एकदम इजी है क्योंकि आपको क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना है, चार चार के बाइनरी जो डिजिट आपके पास हो गए उसको चार चार के ग्रुप में राइट टू लेफ्ट अरेंज करो, 1248 1248 1248 अप्लाई करो, जहां जहां पे 11 है वहां पे उसका टोटल कर दो और हो गया आपका आंसर. जैसे कि यहाँ पे एक दिया है, मैं पहले ग्रुप बना लेता हूँ, ये एक ग्रुप बन गया चार का, ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप और ये हो गया तीसरा ग्रुप, जो बचते वो तीसरे ग्रुप में जाएंगे. ओके उसमें मैं अप्लाई करूंगा 1248 सिस्टम वाला, ठीक है 1248 चार चार को ऐसे ऊपर लिख दो थोड़ा सा, ठीक है तो फटाफट हो जाएगा. बाद में तो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट काम कर सकते हो. और यहाँ पे है सिर्फ 1 एंड 2. ओके तो जहां पे 1 है उसको कंसिडर करना है, तो पहले ग्रुप में सिर्फ 1 पे 1 है तो राइट मोस्ट डिजिट 1 है, राइट हो गया ये, ठीक है. सेकंड ग्रुप की बात करें तो 1 और 2 में कुछ नहीं है, 8 और 4 यानी कि 8 और 4 में 1 1 है, तो 8 और 4 का टोटल कर दो, तो 8 प्लस 4 हुआ 12, और 12 हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको C से, तो दूसरा डिजिट भी हो गया. और लास्ट में सिर्फ 2 पे 1 है, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा होगा 2, तो 2C1 इज द राइट आंसर. ओके नाउ एक मेरी तरफ से दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1, सपोज इतना बड़ा मैंने एक बना दिया. तो पहले चार चार का ग्रुप बना लो, एक ये बन गया राइट साइड से, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा एग्जिट बन रहा है. ओके अभी आपको 1 2 4 8 1 2 4 8 क्योंकि चार है ना, 4 8 तक जाना है, वो ऊपर थोड़ा सा लिख दो अगर नहीं याद आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये अपना आप याद आ जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर मुझे जो स्टेप आप दोगे उसमें ये चाहिए मुझे. तो पहले 1 2 4 8 कर लेते हैं इजीली एकदम, 4 8. ओके अभी जहां जहां पे 1 है वहां पे ऊपर का जो पावर की जो वैल्यू है उसको टोटल कर देना, यहाँ पे 8 4 और 1 की जगह पे 1 है, तो 8 प्लस 4 कितने हुए 12, 12 प्लस 1 13, 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अल्फाबेट है, 10 11 12 13 ए बी सी और डी, तो यहाँ पे आंसर आया आपका डी. ओके यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है और 8 की जगह पे 1, तो 8 प्लस 1 हो गया 9, और यहाँ पे 2 और है 1 है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8, 8 की जगह पे भी 1 है ना, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है B, तो राइट आंसर आ गया हमारा B 9D. तो एकदम सिंपल है, ठीक है.
तो ये हो गया हमारा राइट आंसर. नाउ योर होमवर्क इज दिस. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल. आपको ढूंढ के पूरे प्रॉपर स्टेप से मुझे दिखाना है. तो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू इन दिस ट्यूटोरियल. बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, और उसका पूरा कन्वर्जन मैंने शॉर्टकट से आपको सिखा दिया है. हर एक होमवर्क मुझे आपको सबमिट करना है टेलीग्राम में. सेल्फ टेस्ट देना मत भूलना. तुरंत आप इसकी सेल्फ टेस्ट दे सकते हो. एक बार चेक कर लो प्रॉपरली वीडियो को पूरा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, और बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहो जिससे आप मेरा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे. ओके, ऑल द बेस्ट. डू गिव इट सेल्फ टेस्ट एज वेल एज सबमिट योर होमवर्क टू टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू.